बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे वो तमाम के तमाम दोस्त जिनको मनी की कमी का, पतलेपन का, जिस्मानी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी के मसाइल हों, गुर्दों की कमज़ोरी का मसला है, चाहे वो अंग्रेज़ी अद्वियात खा खा कर या किसी और मसले की वजह से उनको गुर्दों की कमज़ोरी का मसला हो चुका है, घुटनों से टख टख की आवाज़ें आती हैं, स्पर्म्स की कमी का मसला है या एक्टिव स्पर्म की कमी का मसला है जिसकी वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो जो नुस्खा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बआसानी पिनसार की दुकान से मिल जाएंगी। जो लोग अफोर्ड कर सकें और उनकी जेब इजाज़त दे तो इसमें अंबर और कस्तूरी भी ऐड होते हैं, वो ऐड करना चाहें तो इसकी इफादियत 400 गुना तक बढ़ जाती है। और अगर अंबर और कस्तूरी अफोर्ड ना कर सकें तो बाकी नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इन तमाम के तमाम मसाइल के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद और इंतहाई करामत साबित होगा। दूसरी चीज़ ये कि इस नुस्खे के अंदर न कोई कुश्ता जात है, न कोई हिजरियात है, न कोई पत्थर वगैरह है, न कोई जहरीली चीज़ है, न इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो बेझिझक हर जगह पर हर बंदा इसको बनाकर इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकता है। और अगर कोई हुकमा दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे मैंने चीज़ें बताएं, अगले बंदे का मिजाज और कैफियत देखकर उस एतबार से उसको इस्तेमाल करवाएं। अगर उसको स्पंज का मसला है तो उससे उसके पसल देख लें कि उसके पसल की मकदार कितनी है, पसल का पहले इलाज करना है, फिर उसके बाद स्पंज का इलाज करना है, या दीगर जो मसाइल हैं जिसके लिए मैं ये नुस्खा बता रहा हूँ, उन तमाम के तमाम मसाइल के लिए अगले बंदे की कैफियत और मिजाज देखकर आप उसको ये नुस्खा इस्तेमाल करवा कर इससे बेहतरीन किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है, हज़ारों बंदों को इस नुस्खे से फ़ायदा हो चुका है, तब मैं ये नुस्खा अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम के तमाम मसाइल के लिए यह नुस्खा इंतहाई मुफीद और इंतहाई कारामत साबित होगा। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। ये सामने जो नंबर शो है सिर्फ मेरे यही तीन नंबर्स हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर देंगे, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नुस्खे के अज्जा कौन से हैं और कैसे आपने उसको बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सुन भी लीजिए और साथ में लिख भी लीजिए। नंबर एक, तुख में कूच दूध से मुदब्बर करदा 50 ग्राम। मैंने कई दफ़ा वीडियोज़ के अंदर तरीका भी बताया है कि कैसे तुख में कूच को आपने मुदब्बर करना है, वो आप देख सकते हैं। मूसली सफ़ेद इंडियन 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, खरखसक 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, सतावर 100 ग्राम। यहाँ तक नुस्खा है। अगर आप अंबर 3 ग्राम और कस्तूरी 1 ग्राम अफोर्ड कर सके तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर अफोर्ड ना कर सके तो इसके बगैर बना लें। मिस्री आपने 150 ग्राम डालनी है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने इनका सफ़ूफ़ कर लेना है। बाज़ लोग ग्राइंड के अंदर ग्राइंडर कर देते हैं, उसको ग्राइंड करके पीस लेते हैं, तो ग्राइंड करके पीसने से उसकी आधी इफादियत ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका इसका यह है कि हावन दस्ते से इसको कूटा जाए, चाहे आप ख़ुद कूटें या किसी करीबी हकीम से इसको बनवा लें या पिनसारियों से बनवाएं, तो उनसे कहें कि हावन दस्ते के अंदर इसको अच्छे तरीके से पीस कर कूट कर फिर हमें दे। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है, सफ़ूफ़ कर लें। चाय वाला चम्मच यानी छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले 40 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म के अंदर नई एनर्जी आ जाएगी, थकन नहीं होगी, गुर्दों की रिपेयरिंग कर देगा। अंग्रेज़ी अद्वियात खा खा कर गुर्दों का कबाड़ा कर बैठे हैं तो उन अफराद के लिए नेमत है, सांस नहीं फूलेगा, मनी गाड़ी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, स्पर्म अफजाइश करेंगे, तनाव बाकमाल होगा। तमाम अज्जा हर्बल हैं, कोई कुश्ता नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई हिजरियात नहीं, कोई जहर नहीं, सिर्फ कुदरती अज्जा हैं। इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह ताला इन तमाम के तमाम मसाइल के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद और इंतहाई करामत साबित होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत, असमत सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।